आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। एक नई सुबह और एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। और आज है बुधवार, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा रीजनल फोकस एपिसोड। आज का हमारा रीजन ऑफ फोकस है श्रीलंका। और दोस्तों, साथ ही आज प्रार्थना में हम बात कर रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देते हैं। बिल्कुल सही, जीवन को बदलने वाला है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और हालात बदल जाते हैं, रुख बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं और डेस्टिनेशंस बदल जाते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। और दोस्तों, आज का हमारा रीजनल फोकस है श्रीलंका पर। तो क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका की जो मेन इनकम है ये टूरिज्म से आती है। साथ ही ये चाय निर्यात करते हैं, जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, रबर गुड्स, राइस और सी फूड और बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। श्रीलंका में रहने वाले करीब 92% से अधिक लोग साक्षर हैं, जिसका अर्थ है कि ये पूरे दक्षिण एशिया में सबसे अधिक साक्षरता दर का दावा करते हैं। वाकई एक अमेजिंग कंट्री है ये। और आइए आज दिन की शुरुआत हम करते हैं एक बहुत फेमस ओल्ड हिम से, जो है अमेजिंग ग्रेस, जो 1779 में इंग्लिश कैप्टन और फॉर्मर स्लेव ट्रेडर जॉन न्यूटन ने लिखा था। आइए हम इसको सुनते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और दोस्तों, ये गीत आज हमारे लिए गा रही है कुरालावेला मेथोडिस्ट चर्च की कॉयर, जो मुरातुवा श्रीलंका से है। तो आइए हम इस गीत को सुने, इससे आशीष पाएं। और ये खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर्स रॉकी जॉन पीटर एंड दिदुला पेरिस।
थैंक यू वेरी मच कुरालावेला मेथोडिस्ट चर्च कॉयर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है हमारे पड़ोसी देश के जो भाई बहन हैं इनके साथ मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। और बहुत ही मीनिंगफुल गीत है, किस तरह लिखने वाला जॉन न्यूटन कहता है कि मैं अंधा था और अब मैं देख सकता हूँ, और मुझ जैसे गुनहगार के ऊपर खुदा ने अपना फजल अपना अनुग्रह दिखाया। दोस्तों वही खुदा हमारे साथ भी है जो आप पर भी अनुग्रह दिखा सकता है, अद्भुत अनुग्रह, अमेजिंग ग्रेस। वाकई दोस्तों कितना अच्छा गीत है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के जीवन में काफ़ी है। और ऐसे ही गीतों को अगर आप बार बार सुनना चाहते हैं ताकि आपको इनकरेजमेंट मिले, या अगर आप इन्हें शेयर करना चाहते हैं, या और अलग अलग भाषाओं में और गीतों को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो क्यों ना आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और आप इन गानों को आप सुनें, इनसे आशीष पाएं, और आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दर्शकों अब समय आ गया कि हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, पर कहीं मत जाइएगा। इस ब्रेक के बाद श्रीलंका से एक सच्ची कहानी हम आपके साथ बांटना चाहते हैं, तो हम यूं गए और यूं वापस आए। दर्शकों वापस आ गए हम, वेलकम बैक। और जैसे आप जानते हैं हमारा थीम है किस तरह प्रार्थना के द्वारा हम अपने हालात या जीवन बदल सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और ऐसी ही बदलाव की कहानी आज हम आपके लिए श्रीलंका से खास लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों मुलाकात करते हैं प्रेमानी से, जो श्रीलंका से हैं। ये एक खुशहाल जीवन जी रही थी। एक दिन इन्हें पता चला कि इन्हें एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। इस खबर से प्रेमानी टूटी नहीं, पर परमेश्वर में विश्वास में और बढ़ती गई, और विश्वास के साथ इन्होंने प्रार्थना भी की। बचपन से सीखी गई प्रार्थना की रीत इन्होंने पकड़ के रखी। तो आइए इस विश्वास और प्रार्थना की सच्ची कहानी को हम देखें, जो आपके लिए खास श्रीलंका से लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर्स रॉकी जॉन पीटर और दिदुला पेरेस। 1988 के दौरान मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया। मुझे कैंसर हो गया था। प्रार्थना और इलाज के द्वारा मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जब मैं 6 साल की थी तो मैंने अपने पिताजी को खो दिया। तो बचपन से ही मेरा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता था और मैं परमेश्वर को ही अपना पिता मानती थी। हम बचपन से ही परमेश्वर के साथ मजबूती से खड़े रहे। हम हर रोज रात को 8 बजे पारिवारिक प्रार्थना करते थे। उन प्रार्थनाओं ने परमेश्वर के साथ मेरे रिश्ते को मजबूत किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने शादी कर ली। उसके बाद मैं 2 बेटों की माँ बन गई। फरवरी 1998 के दौरान मेरा एक बेटा 10 और दूसरा 7 साल का था। एक दिन मैंने एक बहुत ही स्पष्ट आवाज सुनी कि मुझे स्तन कैंसर है। मैं विश्वास करती हूँ कि मैंने ये आवाज परमेश्वर से सुनी। अगले दिन सुबह को मैंने बात अपने पति को बताई और फिर हम अपने फैमिली डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने अच्छी तरह से जांच की पर उन्हें कैंसर का कोई भी लक्षण नहीं मिला। उन्होंने मुझे इसके लक्षणों के बारे में बताया और मुझे सावधान रहने को कहा। जुलाई महीने के दौरान मैंने अपने शरीर में उन लक्षणों को महसूस करना शुरू किया। जब हमने अगस्त महीने में जांच करवाई तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे कैंसर है। उस समय कैंसर बहुत ही दुर्लभ बीमारी थी। हमारा पूरा परिवार इसके कर्णभूत उदास था। कैंसर का पता चलने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें करवानी पड़ी। उस समय के दौरान हमारे घर पर लगातार प्रार्थना सत्र चल रहे थे
और बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के लिए आए। मैंने भी उनके साथ मिलकर प्रार्थना की। इसके माध्यम से मेरा विश्वास बहुत मजबूत हुआ। मेरे पति और बच्चों का भी विश्वास बढ़ा। मुझे कई चीजें करवानी पड़ी, मैं जल्दी से उन चीजों को करवा पाई। ये विशेषकर प्रार्थनाओं के कारण था। सितंबर महीने में मेरा ऑपरेशन भी होने वाला था। मुझे दृढ़ निश्चय था कि परमेश्वर मुझे ठीक कर देंगे। ऑपरेशन के बाद मुझे अस्पताल में कीमोथेरेपी करवानी पड़ी। मैंने अक्टूबर महीने के आरंभ में कीमोथेरेपी शुरू की। परमेश्वर के अनुग्रह और इलाज के द्वारा दिसंबर महीने के अंत तक मैं पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इस घटना से मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मैं, परमेश्वर, सभी डॉक्टर और जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, उन सब की बहुत आभारी हूँ। ये घटना मुझे परमेश्वर के करीब ले गई। उसके बाद मैंने अपने जीवन को सामाजिक कार्य और कलीसिया के कार्य के लिए समर्पित कर दिया। उसके बाद मैंने बाइबल अध्ययन भी किया। इससे मुझे आत्मिकता में बढ़ने में मदद मिली। जब मैंने बाइबल को पढ़ना जारी रखा तो यिर्मयाह 29:11 ने मुझे बदल दिया। इसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आज मैं एक खुश और आशीषित जीवन जी रही हूँ। आज मेरे बेटे अपने अपने व्यवसाय में सफल हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि कैंसर का मेरा अनुभव मुझे परमेश्वर के करीब ले गया। बाइबल मत्ती 21:22 कहती है, और जो कुछ तुम प्रार्थनाओं में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मैं सच में विश्वास करती हूँ कि प्रार्थना में सामर्थ है। मैं दूसरों को उनके जीवन की हर परिस्थिति में प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रेमानी आपकी कहानी के लिए। जीवन के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये हमें प्रभु यीशु मसीह के करीब ले आते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है ना कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, परमेश्वर उनके जीवन में सब बातों में भलाई लेकर आते हैं, जैसे आपके जीवन में हुआ। बिल्कुल सही दर्शकों, और आप में से अगर कई उनकी तरह आपको भी इस तरह की बीमारी है या इस तरह से आप पीड़ित हैं किसी भी ऐसे प्रॉब्लम से, देखिए क्या करा परमेश्वर ने उनके साथ और कैसे परमेश्वर ने उनको उसमें से निकाला और बिल्कुल स्वस्थ किया। ये वही खुदा है जो सब कुछ कर सकता है। सिर्फ हम अगर उसके पास आए और अपना जीवन उसको दें और प्रार्थना में खुदा के सामने अपने इस बोझ को लेकर आए, रो रो के दुआ करें, खुदा जरूर 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 उत्तर देगा। दर्शकों, अक्सर क्या होता है, शायद आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो होता है, कोई नई जगह जाता हूँ तो मैं अपने वो मैप लगा लेता हूँ फोन पे, और फोन पे जा रहा होता हूँ। एक दफा ऐसा हुआ कि मथुरा की तरफ मैं जा रहा था और मैप को देखते हुए जा रहा हूँ, यूं करके कभी ये कभी इधर कभी उधर, और चलते चलते अचानक क्या हुआ, मैंने देखा ये कहता अराइव्ड। मैंने कहा यहाँ तो जगह दिख नहीं रही, हम तो बिल्कुल एक खेत के बीच में आके फंस गए। अरे मैंने कहा यहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं है, सारे बुरा हाल और फोन में, मैंने कहा क्या करूं, इधर उधर कोई आदमी भी नहीं दिख रहा, या किसी से पूछा भी रास्ता कौन सा, कैसे मेन रोड पे आए हम। उस वक्त मैंने फोन निकाला और मैंने अपने दोस्त को फोन किया जिसके घर में जा रहा था। उसने कहा भाई मैं बिल्कुल खो गया हूँ, कोई तो राह होनी चाहिए, कोई तो बात बता कैसे पहुंचूं मैं। उसने कहा कहाँ है आप, मैंने कहा फलां ऐसी जगह लग रही खेते हैं और कोई रास्ता नहीं है। उसने कहा फिक्र मत करो, हम आ रहे हैं आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। और एकदम वो वहाँ पे निकला, क्योंकि उस एरिया को जानता था वो, और वो हमारे रेस्क्यू करने के लिए आया। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अपनी समझ से ना हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में जब फंस जाते हैं फिर याद आती है परमेश्वर की, और फिर परमेश्वर को कॉल करते हैं, प्रभु मुझे बचा ले। और मैं बताना चाहता हूँ
कि कई रास्ते जो हमें ठीक लगते हैं शायद परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं है, इसलिए डेड एंड में आके रुक जाते हैं। ये देखिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो बच्चे भी जानते हैं वो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। ये देखिए मैं एक एरो बना रहा हूँ, ये एक एरो बनाया मैंने, ये देखिए ये है वो एरो, देख रहे हैं ये एरो मैंने बनाया है। और अब देखिए अब मेरे सामने एक पानी का ग्लास है और कल्पना कीजिए ये ग्लास आप हैं और आपका जीवन प्रार्थना और परमेश्वर के साथ आपकी कनेक्शन है और आप परमेश्वर के साथ इन टच रहते हैं। तो अगर आप गलत राह पे भी जा रहे हैं तो देखिए प्रार्थना के द्वारा क्या होता है। ये देखिए देखा अचानक रास्ते बदल जाते हैं, अचानक रुख बदल जाते हैं। ये देखिए दोबारा कहां जा रहे हैं आप, बिल्कुल इस तरफ, और अब देखिए कहां जा रहे हैं आप, बिल्कुल परमेश्वर यू टर्न करा देता है और आपको सही रास्ते पे ले आता है। ये हमारा खुदा है। कई दफा हम सोच रहे हैं कि हम अपने तौर पे सही रास्ते पे जा रहे हैं पर वो रास्ता गलत होता है और हम जैसे मैं फंस गया था हम फंस जाते, परेशान हो जाते हैं। पर एक परमेश्वर है जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं, उसको कॉल करें। वो हमारा दोस्त है, हमारा हमसफर है, वो हमारे साथ है, सारे रास्तों को जानता है और ये भी जानता है कि जिंदगी के हर मोड़ पे वो आपके संग है और साथ है और कहाँ आपको जाना है। पर कई दफा हम भूल जाते हैं उसको बुलाना। दोस्तों अगर आप कहीं और जा रहे हैं, परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, आज समय है गाड़ी रोक लीजिए, जिंदगी गाड़ी रोक लीजिए, सोचिए आप कहाँ जा रहे हैं और उसकी ओर अपनी निगाहें करें। परमेश्वर को दीजिए अपना स्टीयरिंग व्हील ताकि आपकी गाड़ी को घुमाकर धार्मिकता के रास्ते पे वो ले आए और आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपना जीवन चलाएं। दोस्तों ये वचन हम आपको देना चाहते हैं, यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कौन कह रहा है ये, मेरे दर्शक और मेरे अजीजों, भाइयों और बहनों, कौन कह रहा है ये? परमेश्वर कह रहा है, खुदावंद कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर, कॉल अन टू मी और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुझे बातें बताऊंगा, ऐसी बातें जो तू अभी नहीं समझता पर मैं रास्ते के अंत को पहले से ही जानता हूं, आपकी जिंदगी को पहले से ही जानता हूं। ही नोज द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो दोस्तों उसकी ओर पुकारो और ऐसी ऐसे अद्भुत चीजें, ग्रेट वंडर्स आपके जीवन में परमेश्वर करना चाहता है। शर्त है कि आप उसको पुकारें और अपने जीवन की डोर या स्टीयरिंग परमेश्वर के हाथ में दे दें और फिर देखें रास्ते कैसे बदलते हैं, मंजिलें कैसे बदलती हैं और आपकी लाइफ कैसे खुदा बदल देगा। वाओ फ्रेंड्स, कितना पावरफुल टूल परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है, प्रार्थना, जिसे इस्तेमाल कर हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जान पाते हैं। हमने प्रेमानी के जीवन में देखा कि किस तरह उनका जीवन मृत्यु की ओर जा रहा था पर जब उन्होंने प्रार्थना की, विश्वास के साथ प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उन्हें जीवन दिया। आज वही जीवन परमेश्वर आपको और हमें भी देना चाहते हैं, हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में हम प्रार्थना में आपकी सहायता करना चाहेंगे। आप हमें कॉल करें, हमारा नंबर है 9910401010। इसी नंबर पर आप हमें कॉल करें, मैसेज करें या व्हाट्सएप के द्वारा भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपके लेकर आए हैं हमारा रीजनल फोकस एपिसोड, जहां हम श्रीलंका पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना हमारे जीवन, हमारी सोच, हमारी परिस्थितियों को बदल देती है। बिल्कुल सही दर्शकों, अगर आप चाहते हैं
कि आपकी परिस्थितियां या आपके हालात बदल जाएं और परमेश्वर आपकी इस सिचुएशन में कुछ नया करे, कुछ नया काम करे, तो चाबी आपके हाथ में है जी। हाँ, चाबी वो है प्रार्थना। तो इसलिए प्लीज उसका इस्तेमाल करें, बिकॉज दैट विल अनलॉक मल्टीट्यूड ऑफ पॉसिबिलिटीज व्हिच गॉड कैन डू फॉर यू। ऐसे ऐसे कार्य खुदा कर सकता है अगर आप विश्वास में वो चाबी का इस्तेमाल करें। इट विल अनलॉक ग्रेट वंडर्स फॉर यू। परमेश्वर कई चीजें आपके लिए करना चाहता है, तो देरी क्या, आइए मिलकर विश्वास में हम प्रार्थना करें। फ्रेंड्स, लेट अस प्रे एंड ले होल्ड ऑफ गॉड टुडे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हम आपके बच्चे हैं, और जब भी परेशानी होती, छोटे बच्चों की तरह हम अपने पिता के पास भागते हैं। तो प्रभु, आज के इस सुबह प्रभु जी, हम आपकी ओर भागे चले आ रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हम दूसरे लोगों के पास जाके थक गए हैं प्रभु जी, हमें और कोई रास्ता दिख नहीं रहा प्रभु जी, हम खो गए हैं प्रभु इस समस्या, इस प्रॉब्लम, इस डिफिकल्टी या इस बीमारी से। प्रभु जी, हम इस तरह प्रभु जी, इसने हमें पकड़ लिया है, हमें पता नहीं हम कहाँ जाएं प्रभु जी। इसलिए अब प्रभु जी, हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण कर रहे हैं। वी सबमिट आवरसेल्व्स टू यू, वी सरेंडर। खुदावन, हम सरेंडर कर रहे हैं आपकी ओर, क्योंकि हम इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, और हम पूरे मन से विश्वास करते हैं कि आप हमारे हालात को, हमारी सिचुएशन को, हमारी जिंदगी को आप ही बदल सकते हैं। तो खुदावन, हम यही दुआ करते हैं हर एक दर्शक के लिए जो किसी भी डिफिकल्टी में है, परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, और उनके हालात अच्छे नहीं है प्रभु जी, और प्रभु जी हम चाहते हैं कि, और वो चाहते हैं कि उनकी चीज़ें, उनकी लाइफ में बदलाव आए। प्रभु जी, ब्रिंग द चेंज दैट यू कैन डू, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है, बिहोल्ड आई विल डू अ न्यू थिंग, मैं एक नया कार्य करूंगा। खुदावन, आज सुबह एक नया कार्य करें उनके जीवन में, डू अ न्यू थिंग इन देयर लाइफ्स, ताकि वो जाने कि आप एक खुदा हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। और ये हम प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। दोस्तों, खुदावन एक नया काम करना चाहता है, अगर आप अपना जीवन उसको सौंप दें और अपने जीवन की डोर उसके हाथ में दे दें, और देखें वो क्या ना करेगा आपके लिए। पुकारिए उसकी ओर, प्रे टू हिम, रीच आउट टू हिम, एंड इफ यू ड्रॉ नियर टू हिम, अगर आप उसके नजदीक आएंगे, खुदा के कलाम में लिखा है, ही विल ड्रॉ नियर टू यू, वो आपके नजदीक आएगा। वो नजदीक है और वेट कर रहा है कि कब आप उसको पुकारो। जी बिल्कुल, कितनी खूबसूरत ये बात है दोस्तों, कि जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं, वो हमारे और नजदीक आता है, वो इंतजार करता है कि हम उससे बात करें, उससे प्रार्थना करें। आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं, हमारे लिए विनती करता है। रोमियो 8:26। बहुत ही खूबसूरत वचन है, और पौलुस ने इसको कलमबंद किया था खुदा की आत्मा में होके। और कई दफा मेरे साथ भी होता है, शायद आपके साथ भी होता, आपके पास अल्फाज नहीं होते, और जज्बातों को लफ्जों की बंदिश में डालना मुश्किल हो जाता है जब हम प्रार्थना करें। तो यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा खुद हमारी मदद करेगा कि किस तरह हमें प्रार्थना करिए, और वो खुद परमेश्वर पिता के सामने आहें ले लेके हमारे लिए दुआएं करता है और हमारे लिए इंटरसीड करता है। वाओ, क्या परमेश्वर है, क्या महान परमेश्वर है हमारा, जो हमारी प्रार्थना करने में भी हमारी सहायता करता है अपनी आत्मा के द्वारा। जी, और दोस्तों, अब समय है कि हम सुनेंगे एक गीत। आज का हमारा रीजनल फोकस है श्रीलंका, तो अब हम सुनेंगे विलोरावट्टा मेथोडिस्ट चर्च मोरातुवा की कॉयर को, जो हमारे लिए गा रही है एक सिनलीज गीत। और इस गीत को आप और हम इंग्लिश और हिंदी में अक्सर गाते हैं। ये एक प्रार्थना है, Take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. प्रभु, मेरा जीवन ले ले और अपने लिए पवित्र बना दे। तो ये गीत आपके लिए खास लेकर आए हैं श्रीलंका से हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर्स रॉकी जॉन पीटर और दितुला पेरिस। आइए इसे हम सिनलीज भाषा में सुने। Oh,
थैंक यू वेरी मच कॉयर आपके इस गीत के लिए। वाकई बहुत ही खूबसूरत ये प्रार्थना है जब हम परमेश्वर से मांगते हैं कि वो हमें अपने लिए पवित्र बनाए। जब दूसरे भाषाओं के मैं जब गीत सुनता हूँ आराधना के, तो मैं याद करता हूँ कि प्रकाशित वाक्य में लिखा हर जुबान कबूल करेगी और हर जुबान तारीफ करेगी प्रभु की। और बहुत ही अच्छा लगता है कि भिन्न भिन्न जुबानों में हम प्रभु की स्तुति और ये हिम सुनते हैं। और इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाजत। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा है। कल भी आप हमारे साथ जरूर जुड़े। कल थर्सडे है, कल पहचान कौन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हम आपके लेकर आ रहे हैं। तो डू जॉइन अस एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।